दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कई जगह ऐसी है जिसके ऊपर सालों से साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन इन जगहों की मिस्ट्री ऐसी है कि उससे पर्दा उठ ही नहीं पाता। क्या आप जानते हैं समुद्र के अंदर भी नदियां बहती है और वो भी पूरे फोर्स के साथ। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां पर जाकर लोग थक जाते हैं। तो चलिए आज ऐसे ही स्ट्रेंज जगहों के बारे में जानते हैं द नॉलेज में। मैं हूं इतिश गिरी गोसाई एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। सिक्स प्लेट इन द केरला। दोस्तों, लास्ट ईयर हुई बारिश और तबाही के कारण केरला में एक अजीब कुदरती स्ट्रक्चर बन गया है। ये जो आपको छोटा सा आइलैंड दिखता है वो पहले इस जगह पर नहीं था। यहाँ पर पूरा का पूरा समुद्र हुआ करता था, लेकिन भौगोलिक कुछ ऐसे फेरफार हुए कि ये लाइन सा दिखने वाला रेत का आइलैंड अचानक से प्रकट हो गया। पिछले तूफान में पता नहीं समुद्र में क्या हलचल हुई कि जहाँ जल था वहाँ पर ये स्थल बन गया। और हमारे देश के केरला के समुद्र किनारे पर समुद्र के पानी को डिवाइड करने वाला ये आइलैंड बन गया। समुद्र के पानी को इतर पितर करके उभरी इस जमीन पे लोग चल सकते हैं, और इसे देखने वाले लोग अचंभित है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। आज इसे देखने के लिए काफी टूरिस्ट वहाँ पर जमा हो रहे हैं। ऐसा किन हालातों में हुआ ये तो सबको पता है, लेकिन ऐसा होने के पीछे एग्जैक्ट रीजंस क्या है ये आज तक किसी को नहीं पता चला, और रिसर्च अभी भी जारी है। राम सेतु, जैसे कि हम सब जानते हैं, इसे रामायण काल में बनाया गया था। ये श्रीलंका और भारत के बीच का बिल्कुल ही अप्राकृतिक रूप से बना एक ब्रिज है। क्योंकि इसे सिविलाइजेशन ने बनाया था, इसीलिए ये प्राकृतिक रूप से बना नहीं लग रहा। आज राम सेतु का थोड़ा खंडन हो गया है और आसपास एबंडन दिखाई देता है, लेकिन असली ब्रिज के अवशेष और निशान आज भी बाकी है, हमें दिखाई देते हैं। राम सेतु जिन पत्थरों से बना है वो पत्थर अलाइव है। दोस्तों, अलाइव पत्थर यानी फ्लोटिंग स्टोन्स, ये ऐसे पत्थर होते हैं जो पानी में डूबते नहीं है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार ये पत्थर ज्यादातर चूना खड़कों से बने होते हैं। इनके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें हवा भरी होती है, उसके अंदर पानी नहीं जा सकता, और कुछ पर्टिकुलर चौड़ाई जितने पत्थर ही डूब नहीं सकते। लेकिन राम सेतु बनाने के लिए जिन पत्थरों का उपयोग किया गया था वो पत्थर बहुत ही बड़े थे, इसलिए आज हमारे आधुनिक वैज्ञानिकों का कहना है कि इतने बड़े पत्थरों का तैरना एक चमत्कार ही है। एक तो ये स्टोन पानी में तैर रहे हैं, और पानी के भीतर इन पत्थरों से बने सेतु और जमीन के बीच काफी अंतर है। इस कारणों से रामायण काल के विद्वानों ने इन पत्थरों से बनाया ये सेतु आज हमारी धरती पर किसी मिरेकल से कम नहीं है। फ्लोटिंग आइलैंड। भारत के मणिपुर की इस झील में फ्लोटिंग आइलैंड्स है, मतलब के पूरे आइलैंड पानी में तैर रहे हैं। इसका व्यास और घनत्व बहुत ही अधिक है, इसलिए ये स्टेबल रह सकते हैं, और आप इनमें से किसी बड़े आइलैंड पे चल फिर भी सकते हैं। इन फ्लोटिंग आइलैंड्स में कई लोगों ने अपने घर भी बनाए हैं, तो कुछ लोग उस पे खेतीबाड़ी भी करते हैं। इन फ्लोटिंग आइलैंड्स पे रहने वाले कई लोग अपने आवन जावन के लिए छोटी सी बोट का उपयोग करते हैं। लोकल लोग इस आइलैंड्स को सुंडी कहते हैं। इस आइलैंड पे इन लोगों ने इसलिए अपना बसेरा बसाया है क्योंकि इसके आसपास बहुत सारी मात्रा में मछलियां होती है, और गांव के ये लोग मछलियों का व्यापार करते हैं। अंडर वाटर रिवर। मैन, कैन यू बिलीव, समुद्र के अंदर भी नदियां बहती है, और ये नदियां उसी उफान और उसी जोश से बहती हैं। जी हाँ, इस पृथ्वी के समुद्र में कई जगह पर अंडर वाटर ओशन में रिवर बहती है। दोस्तों, पहली बार कुछ साल पहले मेक्सिको के डीप सी डाइवरों ने गोताखोरी के दौरान कुछ ऐसी जगहों को देखा जहां पर अंडर वाटर समुद्र में नदियां बह रही थी। इन नदियों के पानी का फोर्स साफ साफ दिखा जा सकता है, और उनका कलर कुछ घट था। समुद्र में बहने वाली इन नदियों का अपना बहाव है, और उनमें से झरने भी बहते हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी पृथ्वी पे ऐसी एक या दो नहीं, लेकिन कई सारी अंडर वाटर रिवर्स मौजूद है। पेटोम्सी क्रेटर। सर्बिया में 1949 में एक जगह लोगों के सामने आई। ये जगह किसी बॉम्ब के गिरने के कारण बनी हुई हो वैसी दिखाई देती है। बाद में इस जगह की मिट्टी और पत्थरों के सैंपल लिए गए, और उसे लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा गया। जांच के बाद पता चला कि इस जगह की मिट्टी में रेडिएशन है ही नहीं, और उसमें यूरेनियम भी न था, जिससे बॉम्ब गिरने से ये जगह बनी है। ऐसे सारे दावे गलत साबित हुए, और इस जगह पर पहले कभी भी आधुनिक परमाणु बम या हाइड्रोजन बॉम्ब गिराया ही नहीं गया था। तो अब जंगलों की हरियाली के बीच अचानक से ऐसी ये जगह कैसे बनी होगी, इसका आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इस जगह में आज और इसके आसपास के जंगलों में जो भी पेड़ उगते हैं वो पृथ्वी पर कहीं और उगने वाले पेड़ों से बहुत ही तेजी से और जल्दी ग्रो होते हैं। और इस जगह पे जाने वाले लोगों का दावा है कि जो जो भी यहाँ पर जाता है वो बहुत जल्दी ही थक जाता है, हाथ और पाँव में दर्द होने लगता है, और वहाँ पर जाकर ही शरीर का थकना शुरू हो जाता है।
आप यूं कह लीजिए कि यहाँ पर हमारी एनर्जी बहुत जल्दी वेस्ट होती है, और इस जगह पर एक साइंटिस्ट की हार्ट अटैक से मौत भी हो चुकी है। तो इस जगह के बारे में भी आज तक हमें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि यहाँ पर आखिर ऐसा तो क्या है जो इसे दूसरी जगहों से अलग बनाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को हो सके इतने शेयर और हो सके इतने लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे मोर इंटरेस्टिंग हेल्दी नॉलेज के साथ। हैव अ गुड डे, टेक केयर।